नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सैमसंग का फ़ोन है जिसमें हम इसका ओसीओ करेंगे और ओसीओ करेंगे इसमें टच डिस्प्ले सब सारी चीज़ें अलग करेंगी। देख सकते हैं ये हमारा अभी फोल्डर निकल रहा है, इसमें डिस्प्ले टच फूटा हुआ है और टच इसकी रिप्लेस करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा एक फ़ोन से सैमसंग का एक फ़ोन है जिसमें सैमसंग का फ़ोन फोल्डर निकल करके इसमें टच रिप्लेस होगा, इसका जो टच है वो रिप्लेस होगा। तो ये प्रोसेस चल रहा है आपका, अभी इसका फोल्डर निकालने का प्रोसेस चल रहा है। तो इसे हम टच सेपरेटर की सहायता से हिट करके आप फोल्डर निकाल रहे हैं। तो ये करते समय दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो साइड में है, आप जो कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी यूज़ कर रहे होंगे, अब इसमें जो इसकी लेयर होती है वो सारा स्टेप बाय स्टेप हम अपने स्टूडेंट को तो बताए ही हैं। वो आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी आपका फोल्डर ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो ये फोल्डर प्रोसेस निकल रहा है, फोल्डर फ़ोन से अलग हो रहा है, अलग होने का प्रोसेस चल रहा है और इजली फोल्डर निकल जाएगा। ये वीडियो लास्ट तक देखें, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि कैसे आप फोल्डर को बनाना है, कैसे ओसीयू यूज़ करना है, कैसे पंचिंग करनी है, कैसे बबल हटाना है, सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं फोल्डर हमारा निकल ही रहा है, प्रोसेस बस कंप्लीट ही हो रहा है फोल्डर निकलने का। इसमें आप बहुत सावधानी से निकालेंगे, आपका डिस्प्ले डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिस्प्ले डैमेज हो गया तो आपको नया फोल्डर ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए इजिली हमारा फोल्डर रिमूव हो चुका है डिस्प्ले से, और अब इसको ये प्रोसेस करेंगे। अब डिस्प्ले और टच को अलग करेंगे, अब डिस्प्ले और टच को अलग करने का प्रोसेस होगा जिसमें आपको टच सेपरेटर की सहायता से आप इसको डिस्प्ले टच को अलग कर सकते हैं। इसमें एक वायर आती है, वायर को आप यूज़ करेंगे, पर आप देखना है, ध्यान देना है कि आपको वायर उस तरफ यूज़ करना है जिस तरफ आपका टच का पत्ते ना हो। अब जो आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो जब आप इसको करेंगे यूज़, तो जो हैंडल दोनों साइड दी गई है आप उस हैंडल को नीचे पुश करेंगे ना कि ऊपर पुश करेंगे। अगर ऊपर पुश करेंगे तो डिस्प्ले का प्रोसेसर भी उसके साथ कट जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको टच को नीचे से प्रोसेस करना है, जैसा आप उसको मूव कर रहे हैं आप उसको नीचे से करेंगे। जो दोनों तरफ आपको डंडी दिख रही है उसमें नीचे से आप उसको मूव करेंगे। ये आपका ईजिली रिमूव हो चुका है, टच और डिस्प्ले यहाँ पर भी अलग अलग हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब इसमें रहता है ग्लू, ग्लू रहता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लू है, आप अगर जब तक ये डिस्प्ले हीट होता है, क्योंकि टच सेपरेटर पे रखा हुआ होता है और हीट होता है, तो हीट होता है इस वजह से आप जब तक वो हीट है तब तक आप अपने हाथ की सहायता से आप इसका ग्लू रिमूव कर सकते हैं। नहीं तो ग्लू रिमूवर आते हैं, केमिकल आते हैं बहुत सारे, आप वहाँ से ग्लू को रिमूव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सारे वीडियो को स्किप नहीं किए, सारा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं कि पहले क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, सारा चीज़ लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है। तो इजिली आप उसमें प्रेस ना करें, जब वो हीट कम हो जाए तो आप उस फिर इसमें केमिकल का यूज़ करें, ग्लू रिमूवर का यूज़ करें, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो चुका है, अब आप कोई भी थिनर जैसे इसमें 530 है, अब इसमें कॉटन की सहायता से उसको अच्छे से वॉश करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे, जिसमें जब ओसीओ लगाते समय कोई भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। अगर ओसीओ लगाते समय थोड़े से भी दाग धब्बे होंगे तो बबल आ जाएंगी और डिस्प्ले आपका सही नहीं दिखेगा। तो आप कॉटन, नया कॉटन हमेशा जब भी यूज़ करें तो एक नया कॉटन यूज़ करें, और 530 यूज़ कर रहे हैं, देखिए जैसा कि नया कॉटन है और नए कॉटन की सहायता से। आप एक चीज़ और बता दूं, आप स्प्रे को डायरेक्ट डिस्प्ले पे ना डालें, क्योंकि आप स्प्रे को डायरेक्ट डिस्प्ले पे डालेंगे तो आपके डिस्प्ले के अंदर स्प्रे का केमिकल अंदर चली जाएगी। तो आप बेटर यही होगा कि कॉटन में स्प्रे करें और कॉटन से आप सफाई करें, तो इसमें आपका डिस्प्ले के अंदर कुछ भी डैमेज नहीं होगा। तो ये प्रॉपरली क्लीन हो चुका है, एक भी अगर कहते हैं कि आप धब्बे आते हैं तो उसके लिए आपको दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप साफ़ कॉटन यूज़ करेंगे तो धब्बे नहीं आएंगे, अगर आप एक ही कॉटन को बार बार यूज़ करेंगे तो उसमें धब्बे आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्लीनिंग प्रोसेस हमारी हो रही है। अब इसमें ओसीओ लगाएंगे, ओसीओ लगाने से पहले आपको सारी चीज़ें जाननी होती है। ओसीओ सीट आप कैसा यूज़ कर रहे हैं, ओसीओ सीट इंच वाइज आते हैं। अब जब ओसीओ लगाएंगे तो आप नीचे से लगाएंगे, क्योंकि नीचे से आप लगाते समय इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम नीचे से उसको काट नहीं सकते हैं। आप ऊपर से लगाएंगे तो ऊपर से जब नीचे का हिस्सा जाएगा तो आप नीचे नहीं काट सकते, क्योंकि वहाँ पे पत्ते होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, इसलिए आप ऊपर से लगाएंगे। और ऊपर से लगाएंगे तो आपका प्रॉपर लेवल देख करके लगाना है आपको, ठीक है।
ये लेयर निकाल रहा है, तो आप बल्कि ऊपर का हिस्सा रहेगा, तो ओसीओ जो एक्स्ट्रा ओसीओ होगी, आप ओसीओ सीट को आप काट सकते हैं इजिली, आप ओसीओ सीट को एक्स्ट्रा जो होता है आप उसको ओसीओ सीट को काट सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो रोलर होता है आपको वन टाइम यूज़ करना है, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा आपको रोल करना है। रोलर जो इनके हाथ में है जैसा कि आप देख रहे हैं, ओसीओ को आपको लास्ट के कॉर्नर में ऊपर से लगाने हैं और एक बार में ही लगाने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बार बार करेंगे तो उसमें धब्बे आ जाएंगे और बबल से बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वन टाइम में इस रोलर को चलाना है, ये देखिए जैसा कि आप प्रोसेस देख रहे हैं, वन टाइम में इस रोलर को चलाया गया है, ठीक है। अभी ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ। अभी ये ओसी सीट, ओसी मशीन में रखेंगे इसको पंचिंग के लिए। तो जब भी आपको भी टच लगाएं तो उसको फोल्डर को, डिस्प्ले को आप अपने उसमें रख लें, ठीक है। अब उसकी जो ऊपर की पन्नी होती है टच की, उसको आप निकाल लें। निकालने के बाद अब आप उसको ओसी मशीन में रखनी है पंचिंग के लिए। सबसे पहले उसे पंच करना है क्योंकि टच और डिस्प्ले के जो ग्लू होते हैं वो हो जाए। अब उसको ओसीओ मशीन में सबसे पहले मैं पंचिंग करना है, उसको पंचिंग करनी है। तो पंच करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी पंचिंग होगी। पंचिंग होने के बाद हम इसकी बबल हटाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें आप इसे वीडियो को। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। यस, अभी से हम निकालेंगे, ठीक है। अब इसे निकालने के बाद हम बबल में डालेंगे, इसको निकालने के बाद हम बबल में डालेंगे। तो बबल में करने के लिए बैग आना है, बैग के लिए हमने बबल पहले तो इसको रखना है हमें इस तरह। आपको ऐसा नहीं रखना है, इसको आपको यू यू रखना है इसके अंदर। अब ये रख दिया हमने, बंद कर दिया है। अब ये बबल पे हम क्लिक कर देंगे और स्टार्ट बटन दबा देंगे। ये 5 मिनट आपका बबल हटाएगा और सही हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा बबल रिमूव हो चुका है। अभी से हम देखेंगे कि हमारा बबल इजिली तरीके से हटा कि नहीं हटा। तो ये देखिए दोस्तों, एक नंबर का, जो भी एकदम परफेक्ट, देखो सैमसंग का भी लग रहा है कि नया फोल्डर है पूरा, ठीक है। तो ये अभी ये अपने फोन में ये करेंगे, ठीक है। अब ये लास्ट फाइनली ये हमारा एक फोल्डर कट करके ओसीओ बन चुका है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये आपने किया कि हमने किया? सर मैंने किया। ये आपने किया सारा चीज, ये स्टेप बाय स्टेप। क्या आपने फोल्डर दूसरा डाला है कि वही आपने बनाया है? वही बनाया सर, वही फोल्डर बनाया है ना जो आपने किया था। ओसीओ सीट लगी है, पंचिंग हुई है, फिर बबल रिमूव हुआ है, और देखिये टच भी काम कर रहा है, 100% प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अब आप बताइए कैसा फील हो रहा है आपको? सर एकदम फिट है। फिट है? कहाँ से हैं आप? कश्मीर से। कश्मीर से आए हैं? चलिए ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।